तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सबकी चाहत होती है कि जैसे हमारी फेस की स्किन जो है बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और चमकदार होती है, उसी तरीके से हमारे हाथ और पैर की स्किन जो है वो भी चमकदार हो, उसकी स्किन भी काफ़ी अच्छी दिखे और उसमें भी एक अच्छा साइन हो। तो इसके लिए आज की रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और आपके हाथ पैरों में अगर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, उसका साइन चला गया, सिर्फ आपके फेस में साइन रहता है, बाकी हाथ पैर में बिल्कुल भी शाइन नहीं रहता है। तो आज की रेमेडी को यूज़ करने के बाद आप बिल्कुल भी बिलीव करने लगोगे कि होम रेमेडी बहुत ज़्यादा काम करती है, और इसको एक बार यूज़ करेंगे आपको ज़रूर समझ आए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी रेमेडी लेके आए हैं जिससे आपके स्किन पे अगर झुर्रियाँ पड़ने लगी, कम एज में ही आपका खान पान नहीं सही है, उसके बाद भी झुर्रियाँ पड़े जा रही हैं स्किन पे और आप बहुत परेशान हो चुके हो सारी रेमेडी करके, फिर भी झुर्रियाँ नहीं रुक रही हैं, तो इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद अगर आप रेगुलर बेसिस पे इसका यूज़ करोगे और मेरे बताए हुए तरीके से इसको फॉलो करोगे और हेल्दी सब्जियां और फ्रूट्स खाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करोगे, तो ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए रेमेडी देखते हैं। लेकिन रेमेडी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो आज की रेमेडी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक आलू। विंटर का मौसम चल रहा है और ऐसे में आलू के वो पतले वाले छिलके वाले आलू आ रहे हैं, नए वाले आलू, तो इनको क्या करना है, कद्दूकस कर लेना है। और आलू में जैसे कि आप सब जानते हैं कि ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जो कि आपके स्किन में एक अलग ही ग्लो ले आता है, शाइन ले आता है स्किन में। तो इसको हम लेंगे और इसका जूस निकाल लेंगे। आप छन्नी की हेल्प से इसका जूस निकाल लीजिए, हाथ से ही निचोड़ के। हाथ से वैसे ज़्यादा अच्छे से निकलता है, छन्नी से बहुत अच्छे से निकल नहीं पाता है, तो आप चाहें तो हाथ से भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें सेकेंड इंग्रेडिएंट जो लेना है वो टमाटर, तो पके वाले टमाटर लेना है, तो इसको आधा कट कर लेना। इसका भी जूस ही हमें चाहिए, तो बीज निकल ना जाए इसलिए हम छन्नी की हेल्प कर रहे हैं, तो जो बीज निकल रहे हैं वो छन्नी में ही रह जाए। तो बस इतना ही जूस चाहिए था, वो ये दोनों हो गए हैं। अब इसी के साथ थर्ड इंग्रेडिएंट जो है वो कॉफ़ी पाउडर। आप किसी भी ब्रांड का कॉफ़ी पाउडर ले सकते हैं, जो भी आपके घर में रेगुलर बेसिस पे यूज होता हो वो कॉफ़ी आप ले लीजिए। और फोर्थ इंग्रेडिएंट जो है वो है पील ऑफ मास्क। मैंने इवरियोथ का पील ऑफ मास्क लिया है, आप कोई सा भी पील ऑफ मास्क ले सकते हैं। और इसको भी मिला देना अच्छे से, चारों चीज़ों को अच्छे से क्या करना है, मिक्स कर लेना है। और इसको अगर आप वीक में आप 2 बार यूज़ कर रहे हैं ना, तो आपकी स्किन इतनी ग्लोइंग हो जाएगी जितना फेस भी ग्लो नहीं कर रहा होगा, उससे ज़्यादा ये स्किन ग्लोइंग हो जाएगी हाथ और पैर की। तो इसको इसी तरीके से पूरे हाथ पे ऐसे अप्लाई कर लेना है। हाँ, अगर आपके हाथ में बाल हैं तो वहाँ से जब आप इसको निकालोगे तो थोड़े प्रॉब्लम होंगे, लेकिन अगर खूबसूरती चाहिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम इंसान झेल सकता है। मेरे हाथ में थोड़े बहुत बाल हैं तो मैं इसी तरीके से, आप चाहें तो ऐसे डायरेक्ट कॉटन से भी इसको निकाल सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप नहीं चाह रहे हैं तो आप चाह रहे हैं पूरी तरीके से सुखा लें उसके बाद निकालें, थोड़ा दर्द आप बर्दाश्त कर लेंगे। पूरा अगर आप पूरा सुखा के निकाल रहे हैं ना, उसके बाद ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हैं आपके हाथ। तो भी मुझे जल्दी थी, मुझे कहीं बाहर जाने, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से नहीं सुखाया, ये 70% ही सुखाया। लेकिन मैं निकाल के दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा दोनों हाथों में फ़र्क दिखेगा। मैंने सिर्फ फर्स्ट टाइम यूज़ किया है, सिर्फ एक बार यूज़ किया है। अगर आप वीक में 2 बार यूज़ करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा ग्लोइंग स्किन हो जाएगी सिर्फ इन 4 चीज़ों के यूज़ से। आप महंगे महंगे पार्लर में जाकर मैनीक्योर पेडीक्योर या ज़्यादा खर्च करवाते हैं अपने हाथों के लिए, पैरों के लिए, तो बहुत सारे खर्च आपके बच जाएंगे और आप कम खर्चे में ही घर पे अपने हाथ पैर की स्किन को बहुत ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो देखिए, अभी मैंने पूरा नहीं निकाला है, दोनों हाथों में आपको कंपेयर करके दिखाती हूँ कि दोनों हाथों में कितना फ़र्क दिख रहा है अभी से ही। देखिए, जितनी दूरी नहीं लगा था और जितनी दूरी में लगा हुआ है ये रेमेडी, उतनी दूरी में आप खुद ही देख लीजिए कितना फ़र्क दिख रहा है। तो इसी तरीके से क्या करना है, आपको इसको निकाल के अलग कर लेना है, उसके बाद अपने हाथ को अच्छे से वॉश कर लेना जो थोड़े बहुत रह गए हैं, क्योंकि मैंने जल्दी में निकाला है। अगर आप पूरा सुखा के 100% सुखा के इसको निकालेंगे तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा, सारे डर्ट सारी गंदगी निकल जाएगी आपके हाथ से और हाथ बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाएगा। पैरों में भी आप इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और इसको वीक में ज़रूर से ज़रूर 2 बार अप्लाई करें। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है और इसको स्किन के ऊपर लगाना तो कोई एलर्जी कुछ नहीं होने वाली। दोनों हाथों में फ़र्क देखिए, ये जो हाथ मैंने नहीं लगाया और इसमें लगाया, मैंने देखिए कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, कितना ज़्यादा शाइन आ गया इसमें, और इसको बनाने में भी कोई ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और मैंने ये खुद पे ट्राई किया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखिए, दोनों हाथों में फ़र्क करके दिखाती हूँ। देखिए, राइट हाथ में मैंने नहीं लगाया, लेफ्ट में मैंने लगाया, देखिए थोड़ा बहुत फ़र्क दिख रहा है, 9-10 का फ़र्क तो दिख ही रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको भी ये रेमेडी थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारी फैमिली का मेम्बर बन सकें और ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।